हाय फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं एकदम हेल्दी और टेस्टी प्रोटीन सैलेड। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। प्रोटीन सैलेड बनाने के लिए हमने लिया है, ये ग्रीन चना है, स्प्राउट करके लिया है इसे, और ये स्प्राउटेड लाल चना है, मौसमी चना, और ये सफ़ेद काबुली चने हैं। इसी के साथ हमने एक बड़ा देसी कुकुम्बर लिया है, दो टमाटर है, नींबू है, ऑलिव ऑयल है, ये हमारा ब्लैक पेपर है, ये हमारा नमक है, और ये हमारा घर का बना हुआ चटपटा मसाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकुम्बर और टमाटो को फाइन चॉप कर लेंगे। चलिए अब हम इसकी ड्रेसिंग की तैयारी करते हैं। हमने लिया है ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव, आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है। इसी के साथ हमने नींबू रखा है, इसे भी निचोड़ देना है, हमने एक बड़े साइज का नींबू रखा है जो इसके अंदर निचोड़ देंगे हम, काफ़ी जूसी है हमारा नींबू, तो ये पूरा नींबू हमने इसके अंदर निचोड़ दिया है इस तरह से। इसी के साथ हमने अब क्या करना है, ये ब्लैक पेपर रखा है हमने, ये डाल देना है करीबन आधा चम्मच। इसी के साथ हमने नमक डाल देना है आधा चम्मच से, थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से, और ये हमारा स्पेशल चटपटा मसाला है वो डाल देंगे हम, ये करीबन हम 1 स्पून यूज़ कर रहे हैं। अब हमने इसे बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। चलिए हमने कुकुम्बर टमाटो कट कर लिया फाइन चॉप, अब हम क्या करते हैं हमारे बाउल में एक एक करके सब कुछ डाल देते हैं। देखिए ये हमारा ग्रीन चना है, ग्रीन चना हमने डाल देना है सबसे पहले, उसके ऊपर से हमने काबुली चना डाल देना है। इसे हमने बॉईल कर लिया, बहुत बॉईल नहीं करना है, इतना बॉईल करना है कि ये आराम से हम इस तरह तोड़ सके, और इसी के साथ हम ये हमारे लाल मौसमी चने भी डाल देंगे, ये चने भी डाल दिए हैं, ये हमने चने पूरे डाल दिए। इसके ऊपर से अभी हमने फाइन चॉप्ड कुकुम्बर, देसी ककड़ी है, इसे डाल देना है, देसी ककड़ी डाल दी हमने पूरी। इसी के साथ हमने टमाटर फाइन चॉप किए हैं, इसे भी हमने डाल देना है। ये सब कुछ डाल के अब हम इसकी ड्रेसिंग की तैयारी करेंगे। हमारी ड्रेसिंग हो गई अच्छी तरह से मिक्स, अब हमने क्या करना है इसे इसके ऊपर से इस तरह से डाल लेना है पूरी ड्रेसिंग को, इसी से इसका स्वाद बढ़ेगा। और इसी के साथ हमने क्या करना है, इसे बड़े आराम के साथ टॉस कर देना है ऊपर नीचे, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है सैलेड को। देखिए कितना हेल्दी सैलेड है, भरपूर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, इसलिए आपका एक मील हो जाता है खाके, आपके पेट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इस तरह से सैलेड बनाइए, आप खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। देखिए ये सैलेड ऑलमोस्ट हमारा बनके रेडी हो गया है, बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग भी हो गई है। देखिए हमारा हेल्दी प्रोटीन सैलेड बनके रेडी हो गया है, आप इस तरह से सैलेड बनाइए, ये बहुत ही हेल्दी है, उसी के साथ ये बहुत ही टेस्टी भी है, और ये डाइजेस्ट करने में भी आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने कच्चा नहीं रखा है, इसे हमने एक एक सीटी देके सबको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। तो आप ये सैलेड बनाइए, खाइए, आपको बताइए मुझे आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आपको मेरे चैनल पे सब हेल्दी और हेल्दी रेसिपी सिर्फ मिलेगी। तो चलिए एक और हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है, नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।